जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच भी छठे फेज की वोटिंग जारी है। कश्मीर घाटी में 14 और जम्मू में 17 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अजय डांडियाल हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से जुड़ चुके हैं। अजय, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है, 2 बजे तक मतदान होना है, क्या लोग घरों से भारी संख्या में आ रहे मतदान के लिए, वहां पर स्थिति क्या है जरा बताइए। देखिए बिल्कुल, सुबह 7 बजे से ही जम्मू कश्मीर में जो 31 सीटें हैं डीडीसी की जहां चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर लोगों में कहीं ना कहीं काफी उत्साह था और उसी का एक नजारा आपको दिखाता हूं। हम एक दूर दराज के पोलिंग स्टेशन जो गोदर में पड़ता है, जो पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है और रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहां की आपको बता रहा हूं। तो यहां अगर बाहर देखेंगे जो कतार लगी हुई है, एक लंबी कतार आपको यहां पे देखने को मिलेगी, महिलाएं खासतौर पर अगर आप देखें तो सुबह 7 बजे से कड़ाके की सर्दी के बावजूद जो है वो जहां यहां पे खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं कि उनका नंबर आए और अपना वोट जो है वो डाल सकें। ये दिखाता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो रुझान है लोगों का वो जो लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए वो काफी बेहतर है। और यहां पूरे अगर पोलिंग स्टेशन के बाहर भी देखेंगे तो नजारा ऐसा ही है और यही एक अच्छी खासियत है इस लोकतंत्र की कि लोग जो हैं अपने इस जो उनको हक मिला है उसको बाखूबी निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन डीडीसी चुनाव जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं उसमें उनको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव कर रहे हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने वाले हैं, कोई राजनीतिक दल या सिर्फ एक कैंडिडेट जरूरी है आपके इलाके को जो चेंज करेगा। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलता हूँ इंडियन न्यूज वालों को, जहां तक इतने डिफिकल्ट एरिया में इन्होंने अपना लाइव दिखा रहे हैं, तो पहले तो मैं थैंक बोलूंगा। बाकी हमारी प्रॉब्लम तो है, अगर वोट दुनिया देते हैं जो लोग हैं वो कैंडिडेट के ऊपर ही वोट देते हैं, जो अच्छा काम करे, अच्छा वर्क करे। इसलिए ये डीडीसी के जो चुनाव हैं, आप किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले? सबसे हमारा मुद्दा ये है कि हमारे को रोड की इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे गांव में रोड तो है ही नहीं है, गाड़ी आती नहीं है। अगर नॉर्मल सी भी बारिश हो जाए तो गाड़ी नीचे आना, बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, स्कूल जाना है। अजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू का हाल दिखाने के लिए। इसी बीच श्रीनगर में पोलिंग बूथ का जायजा लिया है मेरे सहयोगी आरिश ने, रिपोर्ट देखिए। चुनाव का 6ठा चरण जो है वो आज सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। हालांकि कल ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है और जबरदस्त ठंड के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पोलिंग बूथों पे लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी ठंड है और दिन निकलने के साथ साथ लोग घरों से बाहर निकल के आते हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले 5 चरण में हमने देखा कि किस तरह लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पे देखने को मिली और मॉडरेट, जिसे हम टर्नआउट कह सकते हैं, 40-50% के करीब हैं वो लोग अपने घरों से बाहर आके उन्हें अपने मत का इस्तेमाल किया। आज 31 डीडीसी जो सीट्स हैं उन पे चुनाव होना है, जिनमें से 14 कश्मीर में है और 17 जम्मू में है। इसी तरह 77 सरपंच की सीटें जो खाली हैं उन पे भी चुनाव होना है।